भारत की तरफ से 232वां ओडीआई खिलाड़ी व तमिलनाडु की ओर से 5वां तेज गेंदबाज नटराजन के बारे में शायद ही आपने कुछ ज़्यादा नहीं सुना होगा, मगर इस खिलाड़ी के बारे में जिसने जानना है वो हर कोई हैरानी में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के तेज गेंदबाज नटराजन की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी यानी तीसरे ओडीआई मैच में डेब्यू किया। वो डेब्यू मैच में ही ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों के पर चक्के उड़ा डाले। जी हाँ, आखिरी मैच में टीम इंडिया की जीत में नटराजन का सबसे अहम योगदान रहा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के दो बड़े विकेट झटके जो उनके दोनों ही विकेट जीत के लिए टीम इंडिया के लिए बेहद ही अहम साबित हुए। मार्नस लाबुसाने को आउट करके उन्होंने सीरीज में पहली बार पावर प्ले में अपनी टीम यानी भारतीय टीम को विकेट दिलाया, जो उनके करियर का पहला विकेट भी था। तो वहीं 48वें ओवर में एस्टन एगर के रूप में ऐसे खिलाड़ी को आउट किया जो ऑस्ट्रेलियाई टीम का अंतिम स्पेशलिस्ट बल्लेबाज था, जिसके आउट होते ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया टीम पर पूरी तरह से हावी हो गई। अगर हम इस तूफानी गेंदबाज के डेब्यू की बात करें तो सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले नटराजन ने इस आईपीएल टूर्नामेंट में 60 से ज़्यादा यॉर्कर गेंदें फेंकी। उन्होंने अपनी रफ्तार, डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी और स्टिक लाइन लेंथ से सबको चौंकाया। नटराजन आईपीएल 2020 का पहला शिकार विराट कोहली को बनाया, तो वहीं खतरनाक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को भी बोल्ड करके खूब वाई वाई लूटी। 2015 में प्रथम श्रेणी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले नटराजन को साल 2017 में किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेलने का मौका मिला, मगर वो अपनी गेंदबाजी से कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए थे। इसके बाद साल 2018 में सनराइजर हैदराबाद में शामिल किए गए, जिनको इस साल अपना पहला मैच खेलने को मौका मिला। अगर हम नटराजन की बात करें तो वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनकी माताजी सड़क किनारे चिकन की दुकान चलाती है और इसी के सहारे उन्होंने नटराजन को यहाँ तक पहुँचाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यह गेंदबाज आगे चलकर कोई बड़ा कारनामा कर सकता है? आप हमें अपनी राय जरूर बताएं और क्रिकेट से जुड़ी तमाम नई जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।